आप देख रहे हैं द फैक्ट इंडिया और मैं हूं आपके साथ डिंपल शर्मा। बिग बॉस 13 की सीजन में जब शहनाज की जोड़ी छाई थी, जब शहनाज के बीच में प्यार भरा था, तब दोनों के बीच में अक्सर ये बातें होती रहती थी कि हम जब बाहर चले जाएंगे तो हमारी लाइफ वैसी नहीं होगी और मैं अपने काम में बिजी होऊंगा, तुम अपने काम में बिजी होंगी। और जो हम इस तरीके से जो टाइम दे पा रहे हैं इस वक्त पे, जो इतना ज़्यादा टाइम दे पा रहे हैं एक दूसरे को, एक दूसरे के साथ मस्ती करते हैं, लड़ाई करते हैं, इंजॉय करते हैं, बातें करते हैं, वो बाहर जाने के बाद जो चीज़ें हैं वो अलग हो जाएगी। लेकिन खैर, अगर किस्मत को कुछ और मंजूर था तो कुछ और ही होना था और वैसा नहीं हुआ जैसा कि सिद्धार्थ और शहनाज ने एक्सपेक्ट किया था, क्योंकि सिद्धार्थ और शहनाज ने सोचा था कि दोनों के बाहर जाने के बाद जो लाइफ है दोनों की वो चेंज हो जाएगी। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, बल्कि जब से सिद्धार्थ शुक्ला घर से बाहर आए हैं, एक तो वो शहनाज के साथ ही सुर्खियों में बने हुए हैं, हैशटैग सिद्धार्थ ने इतनी पॉपुलैरिटी गेन कर ली है, इतने अचीवमेंट्स ले लिए हैं, क्योंकि अब तक ऐसा कोई कपल नहीं है जिनके मिलियंस में हैशटैग वायरल हुए हों, इतने ज़्यादा हैशटैग्स चले हों, इतने ट्वीट्स हुए हों। वहीं अगर दूसरी बात करें तो सिद्धार्थ शुक्ला ने अब तक जहाँ बिग बॉस के बाहर से निकलने के बाद, जब से बिग बॉस से बाहर आए हैं, तब से एक तो लॉकडाउन में जो शहनाज के साथ रह रहे थे उसको लेकर काफ़ी चर्चाओं में थे, फिर उसके बाद जो शहनाज गिल के साथ उनके गाने आए बुला दूंगा, और उसके बाद दहेज होना भी आया है। हालांकि दोनों ने ऐसा नहीं है सिंगल सिंगल प्रोजेक्ट भी किए, लेकिन फिर भी जो दोनों का नाम है वो कहीं ना कहीं से एक दूसरे के साथ लिंक रहता ही था, और दोनों वाकई तब से लेकर अब तक साथ रह रहे हैं, साल भर होने को आया है, और शो के अंदर भी साथ थे और शो के बाहर निकलने के बाद भी दोनों साथ ही हैं। वहीं शहनाज और सिद्धार्थ दोनों साथ में हैं, काम भी कर रहे हैं, लेकिन एक चीज़ आपने नोट नहीं की होगी कि सिद्धार्थ शुक्ला ने पहले एक बात बोली थी जब वो शो के अंदर थे, उन्होंने बात बोली थी, मैं सोशल मीडिया का इतना ज़्यादा यूज़र नहीं हूँ, सोशल मीडिया यूज़ नहीं करता हूँ इतना ज़्यादा। लेकिन अब जैसे ही शहनाज ने बोला था कि ऐसा नहीं है, मैं बहुत ज़्यादा एक्टिव हूँ और सोशल मीडिया पर बहुत रहती हूँ, जैसे ही बिग बॉस से सिद्धार्थ शुक्ला बाहर निकले थे तब उन्होंने काफ़ी इंटरव्यूज़ में भी ये बात कही थी कि शहनाज बहुत एक्टिव रहती है सोशल मीडिया पर, शहनाज बहुत छाई रहती है सोशल मीडिया पर मैं उतना ज़्यादा एक्टिव नहीं हूँ सोशल मीडिया पर, इतना ज़्यादा एक्टिव यूज़र नहीं हूँ किसी भी प्लेटफॉर्म का, फिर चाहे फेसबुक हो, इंस्टाग्राम हो या ट्विटर हो। लेकिन वो चीज़ें अब चेंज होने लगी है, जहाँ अभी हाल ही में शहनाज गिल ने पोस्ट किया है, क्योंकि वैसे तो इनके पोस्ट लगातार एक ही टाइमिंग के आसपास ही अपलोड किए हुए होते हैं, अगर एक पोस्ट शहनाज गिल ने शेयर किया तो एक पोस्ट सिद्धार्थ शुक्ला की तरफ से ही आता है, क्योंकि ऐसा लगता है जैसे बिहाइंड द सीन दोनों बात करते हैं कि अब मैंने भी एक पोस्ट किया है तो तू भी एक पोस्ट कर, दोनों ने ऐड भी सेम ही कर रहे हैं, मामा अर्थ के दोनों ऐड कर रहे हैं, और शहनाज गिल भी बहुत सारे ऐड कर रही है मामा अर्थ के, और सिद्धार्थ शुक्ला भी उसी ब्रांड के ऐड कर रहे हैं। वहीं शहनाज गिल ने हाल ही में 17 घंटे पहले एक पोस्ट डाला है जिसके अंदर येलो आउटफिट में बहुत ज़्यादा शानदार लग रही हैं। वहीं सिद्धार्थ शुक्ला ने भी एक पोस्ट डाला है, एक एडवर्टीजमेंट डाला है, छोटी सी क्लिप डाली है, तो दोनों का जो लुक है, पहले बात तो दोनों का लुक बहुत चेंज हो गया है, सिद्धार्थ भी काफ़ी स्लिम हुए हैं पहले से, और काफ़ी उन्होंने जो उनकी पहले बॉडी हुआ करती थी बहुत पहले उन्होंने मेनटेन करी है दोबारा से। और शहनाज गिल की बात करें तो उनका तो ट्रांसफॉर्मेशन किसी से नहीं छुपा है, उनकी ट्रांसफॉर्मेशन ने तो काफ़ी सुर्खियाँ बटोरी है, क्योंकि शहनाज गिल जैसी क्यूट चबी और जो पंजाब की लड़की आई थी जो खाते पीते खानदान से, वही मुंबई में आके एकदम स्टाइलिश और गॉर्जियस गर्ल बन गई है, इतनी ज्यादा स्लिम ट्रिम नजर आ रही है हाल ही के फोटोशूट में, जो कि एक येलो ड्रेस के अंदर जो उन्होंने फोटोशूट करवाया है, फैंस उसको बहुत ज़्यादा पसंद कर रहे हैं, वहीं उसके ऊपर लाइक्स और कमेंट्स भी बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। वहीं सिद्धार्थ शुक्ला के साथ कुछ फोटोज़ एडिट करके जो फैंस हैं वो कुछ ना कुछ ऐसा करते रहते हैं, सिद्धार्थ के साथ उनकी फ़ोटो पोस्ट करते रहते हैं, लेकिन ये चीज़ तो देखनी पड़ेगी, चाहे बिहाइंड द सीन ही बात हो, लेकिन सिद्धार्थ शुक्ला और शहनाज गिल में कहीं ना कहीं तो कोई ना कोई कनेक्टिविटी दिखी जाती है जो फैंस पकड़ लेते हैं। खैर, आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको शहनाज गिल की जो फोटो है वो कैसी लगी, और सिद्धार्थ शुक्ला और शहनाज गिल के अलग से ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में, जो इनके अंदर बदलाव आया है। सिद्धार्थ पहले सोशल मीडिया के इतने एक्टिव यूज़र नहीं थे, अब सोशल मीडिया पर काफ़ी एक्टिव रहते हैं, पोस्ट डालते हैं, रील डालते हैं, और कमेंट्स भी आजकल बहुत ज़बरदस्त कैप्शन भी बहुत ज़बरदस्त डालते हैं। तो इस बारे में आपका क्या है कहना, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। हमारे चैनल द फैक्ट इंडिया को सब्सक्राइब करें, और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आपको एंटरटेनमेंट के डेली डोज हमारे चैनल पे मिलते रहेंगे। आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।